अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है तो अल्लाह पाक को ना दिनों में जुमे का दिन बहुत पसंद है। तो अल्लाह पाक की चाहत है कि मेरे बंदों का सबसे प्यारा अमल जो जुमे के रोज़ मुझे लगता है वो दुरूद पाक ही है। तो इंशाल्लाह मैं भी इरादा करती हूँ, प्लीज़ आप भी इरादा करें कि हम इंशाल्लाह आज सारा दिन इंशाल्लाह दुरूद पाक का व्रत रखेंगे। इंशाल्लाह काम के दौरान भी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अजर है, काम करते हुए इसे डबल अजर मिलता है, क्योंकि एक तो लोगों की खिदमत हो जाती है और दूसरा क्या है कि अल्लाह पाक का जिक्र भी होता रहता है। और हमारे घरों में इतने फरिश्ते उतरते हैं जब हम खिदमत के दौरान, काम के दौरान अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इरादा करें कि हम जब भी काम किया करेंगे, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते रहें। इंशाल्लाह तीसरा कलमा पढ़ते रहें, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं ना इरादा। इंशाल्लाह मैं भी करती हूँ आपके साथ, और आपकी बरकत से अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे देगा इंशाल्लाह। आप तो माशाल्लाह करते ही होंगे, मैं अपने लिए कह रही हूँ। तो देखें, बस ये आज इंशाल्लाह यही इरादा करना था। देखें माशाल्लाह हमारे ब्यूटीफुल रोज़ेस, देखिए हर चीज़ की जो कुछ अल्लाह पाक ने कायनात में बनाया ना, वो सब अल्लाह पाक के जिक्र में महव हैं। ये देखें हम, आसमान की एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं है जहां फरिश्ते सजदा नहीं कर रहे। तो क्या अल्लाह पाक को ज़रूरत है हमारे सुभान अल्लाह कहने की, जिक्र करने की, इबादत की? नहीं, वो तो पाक हैं, हर चीज़ से पाक हैं। उसने तो अपने फरिश्तों को मुतय्यन किया हुआ है, जो कोई रुकू में है तो रुकू में ही, सजदे में है तो सजदे में ही, क़याम में है तो क़याम में ही। तो बस अल्लाह पाक हमें किस लिए कहता है कि मेरे बंदे जिक्र करें? बस यही कि अल्लाह पाक चाहता है मेरे बंदे मेरे पास कामयाब हो के लौटें, नाकाम ना हो। ये बस साथ साथ आप रोज़ेस भी इंजॉय करते रहें। बस अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि जब तुम कहते हो अल्लाह अकबर, तो अल्लाह पाक फरमाता है मैं तो हूँ ही बड़ा, तुम कहो या ना कहो, मगर तेरे अल्लाह अकबर कहने से क्या होगा कि मैं तुझे बैठे बैठे बड़ा कर दूँगा। सुभान अल्लाह। और जब तुम कहते हो या अल्लाह तो बहुत पाक, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुझे बैठे बैठे हर ऐब से पाक कर दूंगा, हर बीमारी से, हर दुख परेशानी से पाक कर दूंगा। देखिए कैसा रहीम करीम वो अल्लाह, तो हम उसका जिक्र में रहें। ये ज़ुबान अगर अल्लाह पाक ने हमारे हमें दी है तो वो गिबत करने या किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं दी, बल्कि अपने जिक्र के लिए दी, मुस्कुराहट करने के लिए। ये हमारे जो यानी होंठ हैं मुस्कुराने के लिए, ताकि ये गिबत के लिए नहीं, तंज के लिए नहीं। ठीक है, तो बस आज यही थोड़ी सी बातें अल्लाह ताला की मोहब्बत में सिर्फ आपको कहनी थी, वो इसलिए कि आपकी बरकत से अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इरादा करते हैं ना इंशाल्लाह कि हमने इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है सबको सुख देना है, दुख नहीं देना। इंशाल्लाह हमारी ज़ात से सब लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इंशाल्लाह बस यही आज कहना था। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो भी और मेरे ये रोज़ेस भी अच्छे लगे और अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबे हुए अल्फाज पसंद आए, किस मुसलमान को नहीं पसंद, तो प्लीज़ आप वीडियो को
लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी करना है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह ओके, इरादा करते हैं, कौन कौन इरादा करते हैं बताएं ज़रा, इंशाल्लाह ठीक है ओके। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।